हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीएन की स्टडी चैनल पर। आज हम 5 जून के करंट अफेयर्स से डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें सीएन की स्टडी चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं नेशनल न्यूज़ के साथ। नेशनल न्यूज़ में हम सबसे पहले हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में देखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जो कि हॉर्टिकल्चर का मतलब यहाँ पर सिंपल से कहना है तो ट्रीज को ग्रो करने के लिए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर। सो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो कि डेवलपमेंट करेगा, इसके साथ साथ प्रोडक्शन मार्केटिंग और हाई वैल्यू इंटेंसिव कल्टीवेटेड फूड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी देगा। सो इस प्लांट्स को ग्रो करने से हमें ट्रीज फ्लावर्स देते हैं, उसके साथ साथ फ्रूट्स देते हैं, इसके साथ साथ फूड यानी कि राइस वीट, ये सभी चीज़ें प्लांट्स से मिलती हैं। सो हॉर्टिकल्चर को क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर का मतलब ग्रुप्स में डेवलप करना है। सो हॉर्टिकल्चर को ग्रुप्स में कैसे डेवलप करेंगे, टोटल यहाँ पर 12 क्लस्टर्स के बारे में बताया गया है। सो इसके बारे में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। सो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। सो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ग्रो करना है, इसके साथ साथ डेवलप करना है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को। क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज यहाँ पर इसका मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर लाना है, इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो सो इससे किन किन को बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पर देखिएगा 10 लाख फार्मर्स इसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स बिजनेसमैन को भी इसको बेनिफिट मिलता है। इसके साथ इम्प्रूव करता है एक्सपोर्ट्स को, यानी कि यहाँ पर हमारे कंट्री से दूसरी कंट्रीज को भी इसको भेजा जा सकता है और इससे 20% एक्सपोर्ट से इंप्रूव किया जा सकता है इस प्रोग्राम के तहत, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। यहां पर 12 क्लस्टर्स का डिस्कशन दिया गया है फेजेस में। सो यहां पर देखिएगा शोपियान जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। सो ये दो प्लेसेस एप्पल में फेमस है, इसके लिए यहां पर एप्पल के क्लस्टर्स यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम रन किया जाएगा। इसके साथ साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कच्छ गुजरात और महबूब नगर तेलंगाना में। सो यहाँ पर मैंगो ग्रो किया जाएगा। अनंतपुर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तेनी। सो यहाँ पर बनाना फेमस है, इसलिए बनाना को यहाँ पर ग्रो किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नासिक महाराष्ट्र में ग्रेप्स फेमस है, पाइनएप्पल त्रिपुरा में, सिपाही जाला में फेमस है। नेक्स्ट महाराष्ट्र शोलापुर में फेमस है, चित्रदुर्गा कर्नाटका प्रोमोग्रेनेट फेमस है यहाँ पर। नेक्स्ट मेघालय वेंट जैंटिया हिल्स फॉर टर्मरिक, सो यहाँ पर हल्दी के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल मेघालय में। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, सो इसको कौन इंप्रूव कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको इंप्लीमेंट करेगा। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के नीचे आएगा। सो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरेना मध्य प्रदेश से आए हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट पुरुषोत्तम रूपाला, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए राज्यसभा गुजरात से यहाँ पर निकल कर आए हैं। कैलाश चौधरी बारमर राजस्थान से निकल कर आए हैं। सो इम्पॉर्टेंट नरेंद्र सिंह तोमर याद रखिएगा, मोनेरा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1984 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, एम एस स्वामीनाथन कमेटी इसको रिकमेंड किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को। सो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट ऐप न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐप न्यूज़ में यहाँ पर ई गोपाला ऐप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सो ई गोपाला ऐप ये गिरिराज सिंह यानी कि फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मिनिस्टर गिरिराज सिंह है। सो इन्होंने ई गोपाला ऐप को स्टार्ट किया विथ उमंग प्लेटफॉर्म। सो उमंग के साथ मिलकर यहाँ पर ई गोपाला सर्विसेज को स्टार्ट किया उमंग ऐप पर। सो यहाँ पर देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ई गोपाला ऐप का जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक। सो प्लांट्स को यूज कर इसके साथ साथ मिल्क डेरीज को यूज कर यहाँ पर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य है। सो यहाँ पर वर्ल्ड मिल्क डे
फर्स्ट जून को मनाया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज भी फर्स्ट जून को किया गया है। सो वर्ल्ड मिल्क डे याद रखिएगा फर्स्ट जून को मनाया गया है। सो इससे पहले यस्टरडे हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में डिस्कस किया है। सो इसका डेट 31 मई 2020 को सेलिब्रेशन किया गया है। इसके साथ साथ नेशनल यूथ डे भी डिस्कस किया है। सो नेशनल यूथ डे ने इसको युवा दिवस भी कहा जाता है। सो ये किस डेट में मनाया जाता है बताइएगा कमेंट सेशन में। सो नेक्स्ट देखिए, सो इंडिया इज़ ए ग्लोबल लीडर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग। सो हमारे इंडिया में मिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है दूध। सो यहाँ पर प्रोडक्शन देखिए 198.4 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। मिलियन का मतलब 10 लाख, सो टन्स का मतलब 1000 kg को टन कहा जाता है। सो यहाँ पर इतना दूध यहाँ पर पाया जाता है देखिए। सो इसका 198.4 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, सो इसको प्रोडक्शन 2019 की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में यहाँ पर ग्रोथ हुआ है 6.3% एवरी ईयर यहाँ पर ग्रोथ मिल रहा है लास्ट 6 ईयर से। नेक्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर एवरी ईयर 1.5% ग्रोथ यहाँ पर मिल रहा है मिल्क में। नेक्स्ट उमंग ऐप का मतलब, उमंग का मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सो उमंग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछेगा। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। सो ये मुख्य से यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। सो ये ऐप से सिटीजन्स के लिए बहुत से एडवांटेजेस मिले हैं। इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज इससे पेमेंट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में इसको यहाँ पर यूज़ किया भी जा सकता है। नेक्स्ट है ई गोपाला ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे देखिए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको ई गोपाला ऐप को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको स्टार्ट किया है। सो फार्मर्स के लिए यहाँ पर 10th सितंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया है। सो ई गोपाला ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से इसको स्टार्ट किया है। सो इस ऐप से फार्मर्स के लिए बहुत ही उपयोग मिलेगा, जो कि फ्रीडम फ्रॉम मिडिलमैन। सो मिडिलमैन से यहाँ पर स्वातंत्र दिलाता है ये ऐप, और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और डाइट से। सो कैसे कितना खाना है, सो इसके बारे में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी ये ऐप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो ये मिडिलमैन यानी कि अगर जो खर्चा लेना है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ खर्चा लेना है तो रिच पर्सन से यहाँ पर मिडिलमैन आते हैं। सो मिडिलमैन नहीं होकर डायरेक्टली ये ओनर्स से कर्जा लिया जा सकता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के बारे में बात करें तो गिरिराज सिंह यहाँ पर मिनिस्टर है, बेगूसराय बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजीव कुमार बालियन कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रताप चंद्र सारंगी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बालासोर ओडिशा से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स टोटल 2 मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन, संजीव कुमार बालियन और प्रताप चंद्र सारंगी, और मिनिस्टर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग मिनिस्टर गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ब्रिक्स समिट के बारे में बात किया जा रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इंडिया ने होस्ट किया 2021 ब्रिक्स समिट को। सो इसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग रन हुई है 1 जून को। सो इंडिया ने होस्ट किया है इसको। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो इसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये मीटिंग रन हुई है। सो इसमें यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब इसको चेयर किया है। सो इसको रन किया है। इसका मेन हाईलाइट्स, फर्स्ट टाइम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स मीटिंग ये रन हुई है। सो जो कि स्ट्रेंथन और रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस लाने के लिए मल्टीलैटरल सिस्टम, किसमें चेंजेस लाने के लिए, यूनाइटेड नेशंस में और उसके ऑर्गन्स में, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग को रखा गया है। सो किस किस में चेंजेस लाना है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में चेंजेस लाना है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में चेंजेस लाना है, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर चेंजेस लाना है। सो ब्रिक्स सपोर्ट करता है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल प्रोवाइड करा था यहाँ पर टेम्पररी पेटेंट्स देने के लिए। सो पेटेंट्स का मतलब यहाँ पर मेडिसिन को तैयार करने के बाद अगर न्यू मेडिसिन तैयार हुई तो सो उसके लिए पेटेंट यानी कि एक राइट की तरह दिया जाता है। सो इस पेटेंट के तहत यहाँ पर ये 5 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स कितने पेटेंट चाहिए 10 ईयर्स तक भी इसको दिया जा सकता है। सो ये पेटेंट्स का मतलब इसको अमाउंट दिया जाएगा इस साइंटिस्ट की ये प्रिपरेशन इसकी तैयारी करने के लिए। सो इसका अमाउंट दिया जाएगा उसको पेटेंट कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका 2020 अक्टूबर में यहाँ पर प्रपोज किया था 57 मेंबर्स के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। सो इसमें इन्होंने कहा था टेम्पररी पेटेंट्स हमको दिया जाए क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस फैल चुका है। सो उसके लिए यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अग्रीमेंट के तहत यहां पर इनको छूट दी गई है। सो ब्रिक्स में टोटल यहां पर पॉपुलेशन देखिए 41% ऑफ वर्ल्ड में 41% ब्रिक्स में पॉपुलेशन है। ब्रिक्स में मतलब ब्राजील में, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में यहां पर पॉपुलेशन बहुत से ज्यादा है। सो सबसे पहले पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो वर्ल्ड में फर्स्ट पॉपुलेशन चाइना में है, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड इंडिया। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे पहले चाइना में ज़्यादा पॉपुलेशन है। 24% जीडीपी यहाँ पर इन ब्रिक्स कंट्रीज से आता है। नेक्स्ट 16% ट्रेड भी, बिजनेसेस भी यहाँ पर ब्रिक्स से आता है। नेक्स्ट 2021 चेयरपर्सन है, इसको इंडिया ने होस्ट किया था। सो इंडिया की थीम इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ न्यूज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर वेरिएंट्स यानी कि B.1.617 इस तरह डिफरेंट वेरियंट्स के नाम्स दिए गए थे डिफरेंट कंट्रीज से। सो इसको यहाँ पर नेमिंग प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। सो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 वेरिएंट्स के नेम्स रख दिया है। यहाँ पर इंडिया के 2 वेरिएंट्स हैं, कौन कौन से, सो B.1.617.1, सो इसका नाम कप्पा रखा गया है और डेल्टा B.1.617.2, सो इस वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। सो एग्जामिनेशन में जरूर पूछेगा कप्पा ये किस वेरिएंट को कहा जाता है, B.1.617.1। सो यहाँ पर डेल्टा किसको कहा जाता है, B.1.617.2। सो इस तरह वर्शंस को याद रखिएगा। सो ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट आने के वजह से साइंटिफिक नेम्स के बदल यहाँ पर इस नेम को दिया गया है। सो यहाँ पर रिप्लेस करेगा साइंटिफिक नेम्स को, यहाँ पर नहीं रिप्लेस करेगा। सो ये डिफरेंट नेम्स है, सो वेरिएंट्स, सो इसके नेम्स भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट यूके में एक वेरिएंट पाया गया, उसका नाम B.1.1.7। सो इस वेरिएंट का नाम अल्फा रखा गया है। सो ये डिफरेंट कंट्रीज के वेरिएंट्स है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछेगा। सो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील से गामा रखा गया है P.1 वेरिएंट को, और P.2 वेरिएंट को जेटा रखा गया है। नेक्स्ट B.1.357 वेरिएंट को साउथ अफ्रीका में पाया गया, इसका नाम बेटा रखा गया है। अल्फा, बीटा, गामा और जेटा और एप्सिलॉन, लोटा, सो इस तरह डिफरेंट नेम्स रखे गए हैं। सो एक सीरीज में इसको याद रखिएगा। सो ये US में एप्सिलॉन और लोटा रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इन बुक्स न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए सो इम्पॉर्टेंट बुक ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, सो सभी बुक्स नॉर्थ की तरफ लीड करते हैं, नॉर्थ की तरफ यहाँ पर नक्शा खींचते हैं इसका मतलब। सो यहाँ पर देखिए इसका ऑथर किसने लिखा है, अमीश राज मुलमी ने ऑल रोड्स लीड्स नॉर्थ नेपाल टर्न टू चाइना। सो नेपाल अब चाइना की तरफ फिर चुका है। सो इससे पहले इंडिया की सपोर्ट मांग रहा था, अब चाइना की तरफ फेर चुका है नेपाल। सो नेपाल के राइटर अमीश राज मुलमू ने इसको रिलीज किया है। सो इसमें हिस्ट्री के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में और इमेजिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेपाल फॉरेन रिलेशनशिप इंडिया के साथ और चाइना के साथ
किस तरह थे, सो इसको भी यहाँ पर उभारा गया है। नेक्स्ट हिस्ट्रीज के बारे में बात करें तो माउंटेन कम्युनिटीज यहाँ पर रहते थे साइनो नेपाली बॉर्डर पर, सो उनकी हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अमिश राज मुलमी के बारे में बात करें तो ये एक नेपाली राइटर है, ये एक प्रोफेसर भी है। सो इन्होंने पोकारा में इनका जन्म हुआ था जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट ये एक फर्स्ट बुक है, सो अमिश राज मुलमी याद रखिएगा, ऑल रोड्स लीड्स नॉर्थ ये बुक को लिखा है। सो अगरचे लेक्चर आपको पसंद आया तो सी एन की स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, और पीडीएफ पर्पस के लिए आप टेलीग्राम चैनल सी एन की स्टडी को भी ज्वाइन कीजिए। सो नॉलेज ग्रोस विथ शेयरिंग। इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।